हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं यमी प्लस डिलीशियस यमी लिशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमिन। तो रेसिपी इस प्रकार से है, मैंने लिया है स्पेगेटी। आप इसको नूडल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेगेटी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके जो नूडल्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, तो यू कैन ट्राई दिस थिंग। अब मैंने एक पैन में स्पेगेटी को डाल दिया है वाटर के साथ, और इसको मुझे बॉईल करना है जब तक कि ये स्पेगेटी सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ताकि जो ये स्टिकीनेस होती है जब फ्रेंड्स जब ये बॉईल होती है तो वो रहे ना। प्लस मैंने फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून के अराउंड वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर दिया है स्पेगेटी में, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टिकीनेस। एंड विद द हेल्प ऑफ द टोंग्स मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये मैंने फ्रेंड्स स्पेगेटी को ना 2 हाफ्स में ब्रेक कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ टोंग्स मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड देन मैंने इस पर लिड लगा के अराउंड इसको मैं 15 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी मीडियम फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से फ्रेंड्स ये कुक हो चुकी है स्पेगेटी। एंड ये काफ़ी अच्छे नूडल्स रहते हैं फ्रेंड्स चाउमिन के लिए स्पेशली, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है ना फ्रेंड्स वो पूरी ओवरऑल परफेक्ट रहती है। अब मैंने इसमें से वाटर ड्रेन आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब चाउमिन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने 1/2 कैप्सिकम ली, 1 अनियन ली है फ्रेंड्स, ये जूलियंस में काट लिया, प्लस 2 ग्रीन चिलीज ली है मैंने। एंड देन हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा फ्रेंड्स, और मैंने लिया है सोय सॉस जो कलर देता है फ्रेंड्स चाउमिन को, प्लस वी ऑल्सो नीड चिली सॉस। एंड अनदर इंग्रेडिएंट दैट वी नीड इज द विनेगर, जो काफ़ी अच्छे से खट्टा वाला टेस्ट देगा इसको। नेक्स्ट वी नीड सॉल्ट टू टेस्ट। अनदर थिंग दैट वी नीड इज द रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर चिकन चाउमिन इज चिकन। सो फ्रेंड्स मैंने 500 ग्राम्स के करीब ये चिकन लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है उसको। सो फ्रेंड्स अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वॉक में 4 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल ऐड कर लिया है। नाउ वी विल ऐड आर फाइनली चॉप्ड अनियंस टू इट और अच्छे से फ्रेंड्स इसको सॉटे करना है। इसी के साथ हमने जो 2 ग्रीन चिलीज को चॉप किया था वो भी हमने डाल दिया इसमें। इसको भी अच्छे से हमें सॉटे करना है फ्रेंड्स, ताकि जो रॉनेस है अनियंस का वो ख़त्म हो जाए फ्रेंड्स। अनियंस हमारी जल्दी कुक हो जाए इसलिए हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं, जिससे अनियंस हमारी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और कुक बहुत ईजिली हो जाती है फ्रेंड्स। ये एक टिप है रेसिपी की, जब भी आप अनियंस ब्राउन करना चाहते हैं तो हमेशा सॉल्ट ज़रूर ऐड करिए जब भी आप ऑयल में अनियंस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट मैंने 1 टेबलस्पून के अराउंड जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और उसे भी डाल के मैं अच्छे से सॉटे कर रही हूँ, ताकि जो रॉनेस है फ्रेंड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट की वो डिसअपेयर हो जाए, और अच्छे से फ्रेंड्स इसे सॉटे करना है। अब फ्रेंड्स जैसे कि अनियन फ्राई हो रही है हमारी, उसी के साथ ही हमें जो हमने चिकन को कट करके रखा था फ्रेंड्स जो चंक्स में, उसको भी डाल के अच्छे से अनियंस के साथ फ्राई करना है, और अच्छे से आपको सॉटे करते रहना है इसको। एंड जो चिकन है फ्रेंड्स इसको हमें टेंडर करना है, क्योंकि इस रेसिपी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है वो है चिकन, और चिकन अगर कुक अच्छे से होगा तभी जो रेसिपी का टेस्ट है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अब हम इस पे लिड लगा के अराउंड 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। अब
अब हम इसमें जो हमने कैप्सिकम चॉप करी थी वो ऐड कर दिए। मैंने कैप्सिकम बाद में इसलिए ऐड करी है फ्रेंड्स, ताकि जो क्रिस्पीनेस है कैप्सिकम की वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं एकदम से पहले ही मैं इसको कुक कर देती तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता, तो इसको मैंने आखिर में इसलिए ऐड करा है कैप्सिकम को। नाउ फ्रेंड्स, वी विल ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस चिकन में, और अच्छे से फ्रेंड्स इसको सॉटे करेंगे। सोया सॉस अगर आप नूडल्स डालने से पहले ऐड करते हैं तो जो सोया सॉस का जो फ्लेवर होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी डीपली इमर्स हो जाता है चिकन के अंदर, तो जब आप इसका फ्लेवर टेस्ट करेंगे तो बहुत टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ चिली सॉस। ये आपको बहुत ही ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आपने देखा होगा, इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर चुकी हूँ, प्लस अभी मुझे रेड चिली पाउडर भी ऐड करना है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, जितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप चिली सॉस उसमें ऐड कीजिए। देन मैंने 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और मैंने 1 टीस्पून के अराउंड ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, और काफ़ी मसालेदार फ्रेंड्स इसका फ्लेवर हो चुका है इस वक्त पे। और अच्छे से फ्रेंड्स इसे सॉटे करना है, ताकि फ्लेवर्स बिल्कुल डीप इनसाइड ऑफ चिकन पहुंच जाए। नाउ फाइनली फ्रेंड्स, वी विल ऐड द ड्रेन्ड आउट नूडल्स विच इज़ एक्चुअली स्पैगेटी। हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स वॉक में विद ऑल अदर इन्ग्रीडियंट्स, और इसे फ्रेंड्स अच्छे से विद द हेल्प ऑफ टोंग्स आप इसे मिक्स करिए। मैं टोंग्स बेसिकली फ्रेंड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टोंग्स यूज़ करने से हमारे नूडल्स जो हैं फ्रेंड्स वो ईजिली ब्रेक नहीं होते हैं। अच्छे से फ्रेंड्स इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, देन वी विल मिक्स इट वेल विद द हेल्प ऑफ द टोंग्स, एंड फाइनली वी विल ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। यू कैन रिप्लेस द विनेगर विद चिली विनेगर एज वेल, इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू ट्राई आउट माई दिस यमी एंड डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन रेसिपी। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। Trust me, it was very tasty.